गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे नेटवर्क आईडी क्या होता है, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होता है और वैलिड आईपी एड्रेस क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि उनको पता नहीं होता कि नेटवर्क आईडी और नेटवर्क आईपी में क्या डिफरेंस होता है, तो हम लोग उसी कन्फ्यूजन को आज के सेशन में क्लियर करने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क आईडी के बारे में। ठीक है, नेटवर्क आईडी क्या होता है? नेटवर्क आईडी द फर्स्ट आईपी एड्रेस ऑफ द रेंज विच कैन आइडेंटिफाई द होल नेटवर्क। ठीक है, हम अगर ये स्टेटमेंट पढ़ते तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया तो आ ही जाता है कि अगर मेरे पास फर्स्ट आईपी एड्रेस को देख के मैं पूरे के पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी निकाल सकता हूँ, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, नेटवर्क आईडी, जैसे कि आप यहाँ पे नीचे के साइड में एक एग्जांपल दिया है मैंने क्लास ए का, तो क्लास ए का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरा जो नेटवर्क आईडी है वो स्टार्ट होता है 10.0.0.0 से, ओके, और जो मेरा लास्ट वाला आईपी एड्रेस है तो है 10.255.255.255, ओके। सो द फर्स्ट आई पी एड्रेस ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड माई द नेटवर्क आई डी एंड द लास्ट आई पी एड्रेस ऑफ माई नेटवर्क इज कॉल्ड एज अ ब्रॉडकास्ट आई डी, ओके। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि नेटवर्क आईडी क्या होता है, ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फर्स्ट आईपी एड्रेस, ओके। जैसे कि अगर इन फ्यूचर हम लोग प्रोटोकॉल करने ही वाले हैं, या तो फिर मैंने कुछ वीडियोस बनाए प्रोटोकॉल के ऊपर, आप वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर जिन्होंने प्रोडक्शन में काम किया या तो फिर जिन्होंने ऑलरेडी सीसीएनए पढ़ चुके हैं, तो उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर मेरे पास एक राउटर है वो किसी अनदर राउटर के साथ कनेक्टेड है। जस्ट कंसिडर करते, राउटर के इस वाले एंड के ऊपर एक नेटवर्क है, जस्ट कंसिडर करते नेटवर्क 11.0.0.0/8, ये वाला नेटवर्क है। यहाँ पे मेरा हैंड राइटिंग बराबर नहीं आ रहा है। तो ये जो नेटवर्क है, अगर ये पर्टिकुलर राउटर एडवर्टाइज करता है अपने राउटिंग टेबल में, चाहे वो कोई भी राउटिंग टेबल हो, इसका मतलब क्या होगा, वो अपने राउट्स नेबर राउटर को देने वाला है, करेक्ट। तो जब ये राउटर अपने नेटवर्क को एडवर्टाइज करता है तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क को ही एडवर्टाइज करेगा, और उसके अंदर में जितने भी आईपी एड्रेस आते हैं ऑटोमेटिकली वो नेबर राउटर के पास चले जाएंगे, जितने भी राउट्स आएंगे वो नेबर राउटर के पास चले जाएंगे। ये फंडा होता है नेटवर्क आईडी का, ठीक है। हालांकि नेटवर्क आईडी बहुत सिंपल चीज़ है, आपको ये पता होनी चाहिए। अभी अगर हम लोग बात करते हैं कि ब्रॉडकास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होता है, अगर ब्रॉडकास्ट के बारे में बात करूँगा तो रेडियो, रेडियो इज़ लाइक अ ब्रॉडकास्ट डिवाइस। वो क्या करता है, हमेशा अपना डेटा फुल्ली भेजते रहता है, लेकिन वो सामने से एक्नॉलेज नहीं लेता है। जैसे कि अगर मैं स्विच की भी बात करता हूँ, स्विच इज़ अ ब्रॉडकास्ट डिवाइस, करेक्ट। अगर कोई डेटा स्विच के ऊपर आता है तो जितने भी पोर्ट्स कनेक्टेड है सभी के ऊपर ब्रॉडकास्ट होने का काम होता है। सेम एज आईपी एड्रेस में इसका किस तरीके से यूज़ होता है, अगर मैं यहाँ पे लास्ट वाले आईपी एड्रेस के ऊपर अगर कुछ डेटा भेजता हूँ, तो उसके इंटरनल साइड में जितने भी आईपी एड्रेस है सभी, जितने भी यूजर्स है सभी को वो डेटा मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज़ अ ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस मीन्स ये हमेशा ब्रॉडकास्ट करने का काम करेगा, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस हमेशा नेटवर्क के लास्ट वाला आईपी एड्रेस होता है। तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस के बारे में। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस द लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ द रेंज यूज टू सेंड द ब्रॉडकास्ट टू ऑल विद द सेम नेटवर्क, करेक्ट। अगर मेरे पास कोई डिफरेंट नेटवर्क का आईपी एड्रेस है, लाइक 11.0.0.0, वो उसके ऊपर नहीं भेजेगा, ठीक है, बिकॉज ब्रॉडकास्ट हमेशा सेम नेटवर्क में ही होता है, ना कि मल्टीपल नेटवर्क में, ना तो डिफरेंट नेटवर्क में, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेम नेटवर्क के वर्ड मेंशन किया, आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद में बात करते हैं कि वैलिड आईपी एड्रेस। वैलिड आईपी एड्रेस क्या होता है, वैलिड आईपी एड्रेस ये हमेशा नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के बीच में होता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी, इसके बीच में जितने भी आईपी एड्रेसेस आते हैं सबको हम लोग वैलिड आईपी एड्रेस बोलते हैं। वैलिड आईपी एड्रेस मतलब हम लोग ये पर्टिकुलर यूज़र्स और होस्ट को देने दे सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग कभी भी नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी किसी भी यूज़र को असाइन नहीं करते हैं। अगर आप रियल प्रोडक्शन में काम करते हो या तो फिर आपको नेटवर्क के बारे में जानकारी है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर किसी आईपी एड्रेस कोई बोलता है कि मुझे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करो, तो हम लोग कभी भी आप चेक कर सकते हैं, कोई भी ऐसा आईपी एड्रेस नहीं होता जिसका लास्ट वाला ऑक्टेट 0 होता है, करेक्ट। तो हमेशा ये याद रखना,
अगर हमें किसी आई पी एड्रेस में ऑक्टेट 0 होता है लास्ट वाला, तो वो पर्टिकुलर आई पी एड्रेस हम लोग असाइन नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ नेटवर्क आई डी, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर आई पी एड्रेस को हम लोग नेटवर्क आई डी बोलते हैं, तो हम लोग उसको असाइन कर ही नहीं सकते, ठीक है। कभी भी आप किसी भी नेटवर्क में जाओ, आप कभी भी ऐसा नहीं देखेंगे कि किसी ने बोला कि मेरा जो सिस्टम है उसका आई पी एड्रेस 11.0.0.0 इस तरीके से, ठीक है। या तो फिर कोई नहीं बोलेगा कि मेरा आई पी एड्रेस 192.168.1.0, करेक्ट, कोई ऐसा नहीं बोलेगा। और आपको इस तरीके का आई पी एड्रेस मिलेगा भी नहीं, करेक्ट, या तो सिस्टम खुद ही नहीं लेता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अपने सिस्टम की बात करता हूँ, तो हम लोग चेक करते हैं कि मेरे सिस्टम को कौन सा आई पी एड्रेस है। तो आई पी एड्रेस चेक करने के लिए जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बता ही दिया था, सेम प्रोसीजर मैं फॉलो करूँगा। इथरनेट में जाके राइट हैंड साइड पे चेंज अडेप्ट ऑप्शन, इसके बाद में इथरनेट प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरा आई पी एड्रेस दिख रहा है 192.168.1.100। अगर मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ तो देखो क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ आई पी एड्रेस एंड द सबनेट मास्क इज इनवैलिड, ठीक है। तो हमेशा आई पी एड्रेस मुझे असाइन करना है अगर मैं क्लास सी का आई पी एड्रेस, बिकॉज क्लास सी मतलब मैं 192 का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, मतलब क्लास सी का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ। तो हमेशा ये बात याद रखना, अगर किसी का ऑक्टेट 0 है तो वो पर्टिकुलर आई पी एड्रेस नहीं लेता है, ठीक है। हमेशा याद रखना चाहिए आपको, आप नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट कभी भी दे नहीं सकते। तो अभी यहाँ पे मैं 255 क्लिक करके देखता हूँ, करेक्ट, तो यहाँ पे नहीं ले रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे 254 भी देता हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं, इसने 254 का आई पी एड्रेस ले लिया, करेक्ट। तो मैं बैक टू द नॉर्मल, मैं नॉर्मल कर देता हूँ इसको जैसे पुराना था, करेक्ट, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी लोग इसको इग्नोर करते, इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये काम में आती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको नेटवर्क आईडी समझ में आ गया, ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी समझ में आ गया, वैलिड आईपी एड्रेस भी समझ में आ गया, ठीक है। तो ये नीचे में मैंने एक एग्जांपल दिया क्लास ए का, क्लास ए के एग्जांपल में मैंने बताया कि फर्स्ट आईपी एड्रेस ऑफ नेटवर्क इज अ नेटवर्क आईडी, इसके बारे में मैंने यहाँ पे मेंशन किया। द लास्ट आईपी एड्रेस ऑफ द नेटवर्क इज अ ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोग को प्रैक्टिकली भी करके दिखाया कि हम लोग जिसका ऑक्टेट 0 है, और या तो फिर जिसका ऑक्टेट लास्ट वाला ऑक्टेट 25 है, हम लोग ये दोनों के दोनों आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते बिकॉज ये ऑलरेडी असाइन होता है नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट के लिए। रही बात इसके बीच में जितने भी आईपी एड्रेस हैं जो कि है वैलिड आईपी एड्रेस, जो कि यूज़र एंड होस्ट को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो आसानी से हम लोग असाइन कर सकते हैं। तो मैं इसी में से एक आईपी एड्रेस असाइन कर सकता हूँ अपने यूज़र्स, अपने होस्ट को। सेम एज मैंने क्लास बी का भी एग्जांपल दिया, क्लास बी में मैंने 172 का नेटवर्क लिया है। यहाँ पे भी आप गौर से देखोगे तो मेरा लास्ट वाला ऑक्टेट 0 है, ताकि मतलब नेटवर्क आईडी, और यहाँ पे भी आप गौर से देखते हो तो मेरा लास्ट वाला ऑक्टेट 255 है, दैट इज द ब्रॉडकास्ट आईडी। और द मिडल आई पी एड्रेस ऑफ द नेटवर्क आईडी एंड द ब्रॉडकास्ट आईडी आर कॉल्ड एज अ वैलिड आई पी एड्रेस। तो यहाँ पे आप वैलिड आई पी एड्रेस भी देख सकते हैं जो कि हम लोग यूजर्स एंड होस्ट के लिए असाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास क्लास सी का नेटवर्क है, सेम आपको क्लास सी के नेटवर्क के लिए भी सेम फॉलो करना है, उसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो आज का सेशन मैं यही फिनिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी एंड वैलिड आईपी एड्रेस समझ में आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर विजिट नहीं किया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड किया, और मैं मुझे डेली वीडियोज़ बनाने का टाइम नहीं मिला, बट ट्राई कर रहा हूँ कि वीकली 2 या 3 वीडियोज़ तो मैं डेफिनेटली अपलोड करूँ। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी कुछ अपडेटेड वीडियोस है आप वो देख सकते हो। एज वेल एज़ मैंने अपने जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर मैंने अपना मोबाइल नंबर शेयर किया हुआ है। आपको कुछ डिफ़िकल्टी आती है ट्रेनिंग की रिगार्डिंग, या तो फिर कोर्स मटेरियल की रिगार्डिंग, या तो एग्ज़ाम की रिगार्डिंग, आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ आंसर्स है, कुछ क्वेरीज है, आपको जो भी कुछ पूछना है रिगार्डिंग द ट्रेनिंग एज वेल एज़ द मटेरियल, तो आप मुझे उसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो। मैंने आपका नंबर अपना नंबर वहाँ पे प्रोवाइड कर चुका हूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।